वहाँ के लोगों का मानना है, मेरा ये मानना है कि 200 से 250 300 के करीब में वहाँ पर लोगों जमीन दोज हो गए, काफी जेसीबी जमीन दोज हो गए, हाईवा जमीन दोज हो गए। और इस बात की अंदेशा हमें थी कि आने वाले दिनों में ऐसी घटना घटेगी। इसको लेकर हमने विधानसभा में जितनी भी हमारे सत्र होते थे, हर एक विधानसभा में एक क्वेश्चन हम हिंडाल्को से संबंध डालते थे कि यहाँ पर जो दीवार का निर्माण कराया जा रहा है, दीवारों में जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, सारे के सारे हमारे वहां के जंगलों के थे। यहाँ पर जब हमने विधानसभा में ये प्रश्न लाया कि हमारे पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है, तो यहाँ के जो मंत्री हैं सीपी बाबू, उनके द्वारा कहा गया कि सारे पत्थरों के हम सत्यापित चालान उपलब्ध करवाएंगे, परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ। उनके कार्य में भी अनियमितता थी, जिनको ये टेंडर दिया गया था दीवार निर्माण का, वहां के लोगों का कहना था कि ये चीन का दीवार बन रहा है, और उसमें अनियमितता बरती गई मैं जैसा महसूस करता हूं। उसके अलावे वहां पर जो रेड मड डाले जा रहे थे वो इतने अधिक हो गए थे कि वहां ये हमेशा दुर्घटना का आशंका बना रहता था कि आज नहीं तो कल ये फूट जाएगा। पार्टी ने हिंडाल्को का जो ये मनोभाव था उसको बहुत पहले से ही भाप लिया था, क्योंकि हिंडाल्को इस सुदर्शन ग्रुप का आज के दिन का पोषक बना हुआ है, उसका संरक्षक बना हुआ है। आखिर ये इस सुदर्शन ग्रुप का मालिक कौन है, पार्टी आज पूछना चाहती है। और वहां पर जो कॉस्टिक एसिड जो है, जिसको हम लोग रेड मड भी बोलते हैं, उसका जो भंडारण का जो विल बना, जो कुआं बना, जो तालाब बना, उसके लिए जो गार्ड वॉल बनाया गया, वो किसी छोटा परियोजना से भी बड़ा है। 135 करोड़ रुपए से गार्ड वॉल का निर्माण किया गया। मैं केवल शुरुआत कर रहा हूं, जब वो गार्ड वॉल बन रहा था तभी हमारे पार्टी के विधायक विधानसभा से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर उन्होंने आंदोलन किया, प्रश्न पूछे। जब सड़क पे पूछे तो मुकदमा दर्ज हुआ, जब सदन में पूछे तो रघुवर सरकार ने दिग्भ्रमित करने का काम किया, क्योंकि ये संपूर्ण खेल में माननीय मुख्यमंत्री और उनके समर्थक दल के लोग इसमें शामिल थे। इसलिए जो गार्ड वॉल भी बना उस पर जो पैसे खर्च हुए, उसमें जो मटेरियल लगा, वो मटेरियल भी गैर कानूनी ढंग से जो क्षेत्र के जो पहाड़ है उस पहाड़ को तोड़कर लगाया गया। कई बार विधानसभा में प्रश्न पूछे गए, अमित जी दिल्ली तक गए, केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मिले और उन्होंने आशंका जताया था कि एक भीषण रूप लेगा, एक बड़ा त्रासदी के रूप में कभी भी आ सकता है। जो बातें छन कर आ रही है वहां से, उससे अब तो लग रहा है सैकड़ों लोग उस हादसा का शिकार हुए हैं। और हिंडाल्को में जो इस काम के लिए दायित्व प्राप्त व्यक्ति थे, जिनको देखरेख करना था, उस व्यक्ति का नाम क्या है, वहां का जो पर्यावरण देखता है उस व्यक्ति का नाम क्या है, इसको भी सार्वजनिक करना पड़ेगा। हम लोग मुख्य सचिव महोदय से यह भी मांग करते हैं कि इरादतन हत्या का मामला, इस जो भी हादसे हुए हैं उस पर दायर किया जाए।
और सैकड़ों लोगों की, क्योंकि वहां पर जो प्राप्त सूचना है वहां कुछ जो मजदूर काम करते थे वो नेपाल के मजदूर थे, वो बंगाल के जो सटे हुए इलाके हैं वहां के थे, कुछ वहां के स्थानीय बाशिंदे भी थे, लेकिन कोई क्लेमेंट अब नहीं रहा क्योंकि उनका कोई स्टेसी नहीं मिल पा रहा।